Good morning dear students, in previous video I have discussed properties of addition of integers, properties of addition of integers. उसमें हम properties में क्या क्या पढ़े थे, closure property, commutative property, associative property of addition, additive identity, additive inverse. ये सारे properties हम addition में पढ़े थे, properties of addition of integers. अब इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसमें इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन में. तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे एडिशन, जो इंटीजर्स का एडिशन है वो भी क्या होता है, क्लोज्ड होता है. क्लोज्ड मीन्स अगर ए और बी, ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, देन ए प्लस बी इज ऑल्सो ए इंटीजर. ऐसे यहां पर भी सब्ट्रैक्शन में भी क्या है, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर. क्लोजर व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में सी और बी अगर कोई इंटीजर है, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, देन a माइनस बी इज ऑल्सो ए इंटीजर. मतलब कि तब क्या होगा, अगर a और b कोई दो इंटीजर है और सब्ट्रैक्ट करने पे जो आ रहा है वो भी एक इंटीजर आ रहा है, तब हम क्या कह सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन है इंटीजर्स का वह क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करता है. इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स, देन ए माइनस बी इज आल्सो एन ए और बी अगर कोई दो इंटीजर है तो उनका सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी इज आल्सो एन इंटीजर. तो वो भी क्या होता है, इंटीजर होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कोई दो इंटीजर ले लें, माइनस थ्री एंड फोर, माइनस थ्री और फोर कोई एक दो इंटीजर्स, ए इक्वल टू माइनस थ्री ले रहा है, बी इक्वल टू फोर है, ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस थ्री माइनस माइनस फोर, माइनस थ्री माइनस साइन नेक्स्ट इंटीजर फोर, सेम साइन है तो नंबर साइड आ जाएगा, फोर थ्री सेवन माइनस सेवन, माइनस सेवन ये क्या है, इंटीजर. ये भी क्या है, इंटीजर. मतलब कि इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो भी क्या होता है, कि सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या था वहां पे, अगर हम ए प्लस बी एडिशन में क्या था, कि इंटीजर्स दो इंटीजर अगर ए और बी हैं तो ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए वहां पे हुआ था. तो हम क्या कह रहे थे कि जो एडिशन है इंटीजर्स का वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है. यहाँ पे आप देखेंगे कम्यूटेटिव होता है या नहीं होता है. सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी.
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, इसमें इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस, वहां पे क्या था इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इक्वल क्या होता है क्योंकि वहां पे होल्ड कर रहा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहां पे इक्वल नहीं हो रहा क्योंकि अगर हम ए और बी दो इंटीजर लेते हैं, ए माइनस बी करने पे जो आएगा वो बी माइनस उसका प्लेस चेंज करने पे नहीं आएगा। ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ए माइनस बी अगर हम फाइंड कर रहे हैं जो आएगा वो b माइनस ए प्लेस को चेंज करने पे वो चीज नहीं आएगा, इसलिए ये क्या होता है सबट्रैक्शन जो होता है इंटीजर्स का वो कम्यूटेटिव नहीं होता। सबट्रैक्शन एस राइट लास्ट लिख देंगे एस सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट होल्ड, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट होल्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल इसको लें, फॉर एग्जाम्पल इफ ए इक्वल टू माइनस फोर एंड बी इक्वल टू प्लस माइनस सिक्स, दो इंटीजर हमने लिए कौन कौन सा इक्वल टू माइनस फोर बी इक्वल टू माइनस सिक्स, अब चेक करेंगे क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए एक दूसरे की क्या है इक्वल नहीं है, ए माइनस बी इक्वल टू ए इक्वल टू माइनस फोर माइनस बी इक्वल टू माइनस सिक्स, इक्वल टू माइनस फोर माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस इक्वल टू प्लस टू, कितना आ गया ए माइनस बी की वैल्यू प्लस टू आ रही। अब हम निकालेंगे b माइनस ए, b माइनस ए इक्वल टू b की वैल्यू माइनस सिक्स माइनस a की वैल्यू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस प्लस फोर माइनस सिक्स प्लस फोर, अब यहां पे क्या जाएगा माइनस टू, अब ये क्या आ रहा है a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए इक्वल टू माइनस टू, लास्ट में लिखते हैं a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, एक एग्जांपल के थ्रू भी हम देखेंगे a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू क्योंकि ये टू ये माइनस टू आ रहा है इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट होल्ड, सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है डज नॉट होल्ड, नाम डिराइव करेंगे कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम क्या पढ़े थे, ए प्लस बी इफ ए बी एंड सी
आर टू इन सॉरी थ्री इंटीजर्स देन ए प्लस ब्रैकेट एडिशन में हम लोग पढ़े थे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या था एडिशन में, और ऐसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या कर रहा था एडिशन में होल्ड कर रहा था। आगे समझे, अब इसमें क्या होगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, इसमें हम सब्ट्रैक्शन लेकर के प्रूफ करेंगे। इफ ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स then a minus b minus c, a minus b minus c is not equal a minus b minus c, बस कोई एडिशन की जगह पे ऐड की जगह पे सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे चूंकि ये इक्वल नहीं होते हैं, अगर ये इक्वल होते तो होल्ड करता एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये इक्वल नहीं है, सॉरी इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। लास्ट में ऐड करेंगे हेंस सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट डू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने इफ ए इक्वल टू माइनस टू बी इक्वल टू फोर सी इक्वल टू सिक्स, ये थ्री इंटीजर्स हम लिए हैं ए इक्वल टू माइनस टू बी इक्वल टू फोर सी इक्वल टू सिक्स। अब यहाँ पे हम a प्लस पहला क्या है a माइनस b माइनस c, अब हम वैल्यू निकालेंगे a माइनस b माइनस c, a माइनस b माइनस c इक्वल टू a, a की वैल्यू क्या है माइनस टू, माइनस टू माइनस b की वैल्यू क्या है फोर माइनस सी बाई टू सिक्स। अब ये चीज क्या हो जाएगा माइनस टू माइनस माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस टू माइनस टू। अब यहां से माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू ये इक्वल आ गया जीरो, आगे सुनते हैं ये की वैल्यू जीरो, क्योंकि यहाँ पे a माइनस b माइनस c, a की वैल्यू माइनस टू b की वैल्यू फोर c की वैल्यू सिक्स, फोर माइनस सिक्स तो माइनस टू हो गया, माइनस टू माइनस 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 प्लस हो गया, एक माइनस टू प्लस टू जीरो, मतलब a माइनस LHS की वैल्यू क्या आ रही है a माइनस b माइनस c की वैल्यू जीरो। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इस साइड वाले a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a इक्वल टू माइनस टू b इक्वल टू फोर इक्वल टू सिक्स, ए ए की वैल्यू माइनस टू माइनस बी इक्वल टू फोर माइनस सी इक्वल टू सिक्स, माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व, एस ए माइनस बी माइनस सी is not equal to a minus b
माइनस सी। आगे समझे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स होल्ड करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 है और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस, इसके पहले जितना भी एक्सप्लेनेशन मेरा था इंटीजर्स का एडिशन, इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर ये चीज सही से समझे हुए हैं तो सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 के जो भी क्वेश्चंस हैं सब कुछ खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके क्लास।